खबर यूपी के बलिया से है, जहां जनपद के घोसी लोकसभा क्षेत्र में अरविंद राजभर के चुनाव प्रचार में आए यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मायावती और अखिलेश पर बड़ा बयान दिया। तो वहीं बुरके में वोटिंग करने वाले महिलाओं के बयान पर कहा कि सभी को पहचान पत्र और अपना चेहरा दिखाना होगा। बृजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश की पार्टी के गुंडे उनको सभा करने नहीं देते, माइक पर कब्जा कर लेते हैं, मंच गिरा देते हैं। चार चार सभाओं में ऐसा देखने को मिला है, सुनिए। सर, एसटी हसन जो है वो मुस्लिमों के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये मांग कितनी जायज है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, मुद्दों से बात नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस पर इनका कोई विचार नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में सफल हुए हैं। ये विकसित भारत का जो एक यज्ञ चल रहा उसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता अपनी आहुति दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। आप देखेंगे 80-80 सीटें बीजेपी जीतेगी और विपक्षी गठबंधन का सूपड़ा साफ होगा। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये तरह तरह की बातें करके केवल जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई समझ चुकी है, इनकी कलई उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब जनसभा करने के लिए जाते हैं तो उनकी सभा में उन्हीं की पार्टी के इतने गुंडे आ जाते हैं कि उन्हीं की मीटिंग नहीं करने देते, बल्ली उनका तोड़ देते हैं, माइक कब्जा कर लेते हैं, मंच गिरा देते हैं। चार चार जनसभाओं में ऐसा उनको देखने का अवसर मिला है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि सपा जब जब सत्ता में आती है गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे सत्ता पर काबिज होते हैं और प्रदेश के अमन चैन को लूटते हैं। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज कायम है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पूरे देश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा आसमान की ऊंचाइयों की तरफ। अपर्णा यादव आजमगढ़ में निरहुआ का प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे हैं, प्रदेश की 80-80 सीटों पर काम कर रहे हैं। उनके परिवार अपर्णा यादव धर्मेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो जन जन का भरोसा जीतने के लिए लगा हुआ है। यहाँ कोई किसी परिवार का नहीं होकर के एक एक कार्यकर्ता सब लोग जुटे हैं। एक चीज़ और है सर, जिस तरह से दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि जो बुरके में जो लोग महिलाएं जो वोट देने जा रही है तो, उसकी जांच की जाए। तो निर्वाचन आयोग का नियम है कि जो भी मतदाता जाएगा अपना आईडी प्रूफ लेकर के जाएगा और मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही मतदान करने को मिलेगा। क्या बुरके में फर्जी वोटिंग की भी बात सामने आई है क्या? हमने आपसे साफ कहा कि जो भी मतदाता वोट देने जाएगा उसको अपने पहचान पत्र के साथ जाना पड़ेगा और चेहरा दिखाना पड़ेगा, ये निर्वाचन आयोग का नियम है। यूपी में विपक्ष तो कह रहा है सर कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं। आप वेट करो, इनकी कलई उतर चुकी है, सब फर्जी बातें कर रहे हैं और केवल अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। 4 तारीख को 11 बजे 12 बजे तक पूरी तरह से ये भाग जाएंगे। एक जनित तो जाएंगे अपने नानी के यहाँ इटली और ये चले जाएंगे सिंगापुर घूमने के लिए। सर, अखिलेश यादव जो है वो लगातार दिखाई जा रहा है कि आकाश आनंद की तारीफ करने में लगे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी? कोई मतलब नहीं है इनकी, कोई तारीफ करे इनकी, इनका वही हाल है जैसे बिल्ली हज को चली। इनको सब कलई इनकी जानते हैं कि ये सब गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगों को सरपरस्ती देते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव के बाद सर मायावती का सरकार बनने में कोई अहम रोल होगा सर? देखिए अभी वेट करिए, उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें बीजेपी जीतेगी। सर, अभी बलिया पाए हुए हैं, किसके समर्थन में रहा? बलिया में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नीरज शेखर जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। मैं बलिया कई बार गया, नॉमिनेशन में भी आया था, उसके बाद भी आया था और आज हम अभी रसड़ा विधानसभा में हैं जो घोसी लोकसभा का हिस्सा है। तो यहाँ अरविंद राजभर जी और वहाँ नीरज शेखर जी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हमारे एनडीए गठबंधन के जो पार्ट है। बलिया की जनता से क्या अपील करना? मैं बलिया की जनता से विनती करता हूँ कि सब लोग एकजुट होकर के एक तरफा कमल का बटन दबाएं, प्रचंड बहुमत से नीरज जी को जिताएं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करें। बलिया से सीनियर संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।